और इधर जम्मू के पुंछ इलाके में आतंकियों ने भारतीय सेना की एक गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। घात लगाकर हमला करने के बाद आतंकी जंगल में फरार हो गए, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। नारों से, हुर्रियत से इधर कॉन्फ्रेंस हो रही है। इधर मकबूजा कश्मीर के लिए हम 5 फरवरी को यौमे यकजहती कश्मीर मनाते हैं। यार उसका क्या फायदा है? अच्छा, कोई फायदा, कोई फायदा नहीं है, जुल्म हो रहा है। मैं पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हम पैदल चलते हैं श्रीनगर। अच्छा, अगर हम पैदल सारी आवाम उधर जाएंगे कश्मीर में, हम उधर मुकीम हो जाएं, कितनों को मारेंगे? एक दिन ऐसा होगा कि कश्मीर आजाद होगा। कैसे कुर्बानी उसे? नहीं, वो बॉर्डर क्रॉस करने, भाई बॉर्डर क्रॉस करने, दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं। सेना की गाड़ी पर फायरिंग की और सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड तक फेंका गया है। आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ले ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार आतंकियों में बौखलाहट देखी जा रही है, क्योंकि वहां पर एक एक करके जो हमारे जवान हैं वो इन आतंकियों का सफाया। देखो, आप लोगों ने तो बंद करके रखा हुआ है, इमरान खान को बाहर निकाले, मुंह पे आप पैदल जाने की बात करते हैं, ये बसें बंद हो गई हैं। इधर से 1 करोड़ चला गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अभी शुरू हुए, 1 करोड़ लोग चले गए, उधर से कितने आएंगे? मुझे ये यार, मैं यही तो कह रहा हूँ, उधर उनकी बड़ी आबादी है, लेकिन मुसलमान का जज्बा दुनिया में सबसे बड़ा। आतंकी हमला और ये खबर आ रही है, 4 जवान शहीद हुए। अभी हमने देखा था 72 घंटे में हमने 6 आतंकवादियों को, भारतीय सेना ने 6 आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाया था, और अब भी ये खबर आ रही है कि लगातार आप देख रहे हैं पिछले 72 घंटे से सेना का ऑपरेशन जो है वो अलग अलग इलाकों में चल रहा है। पहले ये नारा लगाते रहे कश्मीरियों से बड़ी मोहब्बत है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये ऐसे नहीं बनेगा। नहीं नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने। और अब जब हमारे साइड कश्मीर में बिजली का बिल कम किया गया है, सब्सिडी दी गई है, तो इधर पंजाब के लोग ये कह रहे हैं कि यार देखो पंजाब का हक जो सा वो कश्मीरियों को दे दिया जा रहा है, उधर 3 रुपए यूनिट है, इधर 70 रुपए। SP न्यूज 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही दुखद खबर है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के काठुआ में जो हमारे सैनिकों की बस थी उस पर हमला किया गया है, जिसमें कि 6 सैनिक शहीद हो गए हैं और साथ ही साथ 7 आतंकी भी मारे गए हैं। और इस आतंक जो ये आतंक ये जो हमला हुआ है, इसकी जो जिम्मेदारी ली है एक आतंकवादी संगठन है कश्मीर टाइगर, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। मैं आपको बता दूं कि इनका इलाज एक बार कैडा चाह रहे हैं, मतलब मोदी जी रशिया के दौरे पर हैं, वहाँ पर ये खबर पहुँचती है और वहाँ पर पुतिन जी जो है एक अलग वे में बहुत ही एक अच्छा स्टेटमेंट वहाँ से जारी करते हैं, जो कि अब इस बार जो मोदी जी रूस चुपचाप गए हैं, इसमें कोई ना कोई राज जरूर है। अब के कुछ हो ना हो, लेकिन अब के इलाज बिल्कुल 100% होगा, आप ये बात देख लीजिएगा, आपको 3 महीने के अंदर अंदर इलाज होता नज़र आ जाएगा। अब इस पर पाकिस्तानी जो आवाम है, ये जो हमला हुआ है, एक तरफ तो वो पाकिस्तान जो है भारत से रिश्ते सुधारने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ जब ऐसे कर्मकांड, अभी वैष्णो माता जब श्रद्धालु लोग जा रहे थे उनकी बस पर हमला हुआ था, अब ये ऐसे 6 हमारे जवान शहीद कर दिए, तो इस तरीके से ट्रेड हो जाएगी, इस तरीके से रिश्ते सुधर जाएंगे? अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम क्या कह रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं तो बड़े जज्बे के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहा हूँ। ठीक हो गया, पाकिस्तान का आपने बोला कि खैर करे, नो डाउट हर पाकिस्तानी ये चाह रहा है कि पाकिस्तान की खैर हो, लेकिन साथ ही परेशानियां भी हैं। पहले टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, जो ओवरऑल दोनों साइड पे कशीदगी है, जो एक माहौल है, लेकिन पहले मुझे बताएं पाकिस्तान में कहीं पे भी अगर कोई अटैक होता है, कहीं पे कुछ गलत होता है, उसका हम जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आपके ख्याल से? देखिए जी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पाकिस्तान में अटैक होते हैं तो जाहिर है जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं वही अटैक करते हैं। इसके अलावा जो लोग अमन पसंद नहीं है उनमें से चंद अनासिर हैं जो अटैक करते हैं। अगर अटैक करते हैं तो अटैक से पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? यहाँ लोग अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लोग कारोबार करने के लिए पाकिस्तान में नहीं आएंगे अगर ऐसे ही अटैक होते रहे। जिसके पास बागडोर होती है मेरे हिसाब से वही जिम्मेदार होता है। अच्छा, आपने बोला जो दुश्मन कंट्रीज हैं, तो दुश्मन कंट्रीज में आपने जाहिर बात है ज्यादातर हमें ये बताया जाता है इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है ये चीज। अगर यही सवाल मैं आपको उल्ट करके पूछूं कि इंडिया में जो खासतौर पर इंडिया साइड कश्मीर है, उधर जम्मू है, वहां पे जो अटैक होते हैं, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो फिर क्या सोचेंगे और वैसे कौन जिम्मेदार है उसका? देखिए सर, बात यह है कि अगर इंडिया में कभी अटैक होते हैं, आप अगर अटैक हुआ है ना, अगर आप अजमल कसाब की बात करें तो उस हवाले से
उनका इशू बन गया कि अजमल को उसने उधर वो अरेस्ट हुआ, उसने जो भी किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान में अगर अटैक हो तो उसकी जिम्मेवार हुकूमत है। अच्छा, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट मजबूत हो, जम्मू कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर है, हम मुसलमान हैं, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अच्छा, तो भाई अगर आप वजीर आजम हो, इधर जुल्म होता है या अटैक होते हैं तो पाकिस्तान की मुआशियत गिरेगी। अच्छा, लोग इधर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जिसका नुकसान किसको होगा, गरीब को होगा। मुझे ये बताएं कश्मीर के मामला हल हो सकते हैं, आप बोलते हैं, आप बताते हैं, आप ये कहते हैं कि भाई मैं बड़ा जानता हूँ मीडिया को, मैं बड़ा मतलब ग्रेजुएट भी है, मुझे बताएं आप के ख्याल से कश्मीर का इशू कैसे हल हो सकता है, दोनों साइड से ये 76 साल से चलता है। देखें जी, कश्मीर का हल नारों से नहीं होगा, इधर हड़तालों से नहीं होगा, इधर हम बड़े बड़े बैनर लगाकर चलते हैं जी, कश्मीर हमारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं मैसेज देता हूँ पूरे पाकिस्तानियों को, अगर आप मुसलमान है, आप मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है, मैं पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं मुसलमान हैं, मौशियत है पाकिस्तान की गिर गई है, लेकिन मैं ये कहता हूं जिसको कश्मीर मकबूजा कश्मीर कैसे आजाद नहीं होगा। मैं पैदल जा रहा हूं श्रीनगर। अच्छा, मैं पैदल जाता हूं। अच्छा, पूरे पाकिस्तानी जो हैं उनमें से आधे मेरे साथ पैदल चले, इंशाल्लाह हिंदू भाग जाएगा। ये नारों से नहीं, मेरी बात सुने, ये नारों से नहीं, हड़तालों से नहीं होगा आजाद। हम अगर कुर्बानी देंगे ना, हम कुर्बानी देंगे, हम पैदल जाते हैं श्रीनगर, कितनी हमारा पाकिस्तान की आबादी है, 22 लाख 25 लाख हो गई यार, जंग छिड़ जाएगी ना, तो जंग में ये तो होगा ना, आप सरकार ने भी तो जंगें लड़ी हैं। नहीं देखें, तब टाइम और था, अब की बात, मेरी बात सिर्फ ये है कि नारों से हुर्रियत से इधर कॉन्फ्रेंस हो रही है, इधर मकबूजा कश्मीर के लिए हम 5 फरवरी को यौम यकजहत ये कश्मीर मनाते हैं, यार उसका क्या फायदा है। अच्छा, कोई फायदा नहीं है, जुल्म हो रहा है। मैं पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हम पैदल चलते हैं श्रीनगर। अच्छा, अगर हम पैदल सारी आवाम उधर जाएंगे कश्मीर में, हम उधर मुकीम हो जाएं, कितनों को मारेंगे, एक दिन ऐसा होगा कि कश्मीर आजाद होगा, कैसे कुर्बानी उसे, वो बॉर्डर क्रॉस कर ले, भाई बॉर्डर क्रॉस करने दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। अच्छा, अगर आपका जज्बा है ना कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म होता है। अच्छा, तो ये आजादी नारे ऐसे हड़तालें करने से कुछ भी नहीं होगा। पैदल चले श्रीनगर हम पहुंच जाते हैं सारे पाकिस्तानी, यार आप 22 लाख है ना, हम 22 करोड़ है ना, मैं करोड़ पाकिस्तानियों को कहता हूँ आप पैदल चलो, ये सोच कर कि यार फलस्तीन है या उधर क्या कर रहा है इसराइल। ठीक है, हम मजबूत कश्मीर में मुसलमान हैं। अच्छा, वहाँ हमारी माए बहने जो हैं वो बेवा हो रही हैं, भाई उनके जब जो हैं वो बिछड़ जाते हैं, हम कहते हैं जी। आपने बोला 1 करोड़ पाकिस्तानी अगर साथ चले, मैं कहता हूँ हमारी 22 करोड़ आबादी है, उसमें से 1 करोड़ जाएंगे, उनकी 1 अरब 30 35 40 करोड़ है, उसमें से फिर कितने करोड़ आएंगे। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, आप सरकार ने जब जगह लड़ी, आप 313 ले, ठीक है, और आगे कितने वो जालिम थे, उन सैकड़ों की तादाद में जालिम थे। अच्छा, और 313 लोगों ने जज्बे के साथ उस वक्त आप सरकार की क्यादत में लड़ी जंग, आपको जीते, ये आप तब की बात कर रहे हैं, अभी हम 76 साल पहले ये नारा लगाते रहे कश्मीरियों से बड़ी मोहब्बत है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये ऐसे नहीं बनेगा। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने, और अब जब हमारे साइड कश्मीर में बिजली का बिल कम किया गया है, सब्सिडी दी गई है, तो इधर पंजाब के लोग ये कह रहे हैं कि यार देखो पंजाब का हक जो सा वो कश्मीरियों को दे दिया जा रहा है, उधर 3 रुपए यूनिट है, इधर 70 रुपए 65 रुपए यूनिट है, और दूसरे नंबर पे इधर जितने भी लोग खड़े हैं, मैं एक मिनट के लिए सबसे पूछ लेता हूँ, आप जाएंगे भाई जितनी गुर्बत या महंगाई है, ये बेरोजगारी चल रही है, कश्मीर जाएंगे? जी भाई, जाना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह जाएंगे, क्या करेंगे, लड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप कश्मीर जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह भाई जाएंगे, हमारा हक बनता है। ठीक है, क्या करेंगे उधर जाके? काफिरों को खत्म करेंगे। आप अंकल जी कश्मीर जाएंगे? पैदल जाना है। कश्मीर नहीं जाऊंगा मैं, उस बनीगाला जाऊंगा जिसने 200 करोड़ रुपए उस मोदी से लेके और कश्मीर उनके हवाले कर दिया। हम यहाँ पे आपको ये किसने कहा कि 200 करोड़ लिया, वो 200 करोड़ मतलब सोशल मीडिया नहीं देखते? मैं हूँ ही सोशल मीडिया पे, मतलब मैं कभी नहीं देखा 200 करोड़ की। देखें ये एग्जैक्ट आपको कैसे पता चल गया? मेजर, आप मेजर इंडिया का मेजर है, कौन सा गुफ्तगू सुने, मेरा नाम नहीं जहन में आ रहा, उसकी गुफ्तगु सुने, बड़ी मशहूर वीडियो हुई हुई है। अच्छा, उन्होंने बोला है कि 200 करोड़ रुपए हमारे 10,000 करोड़ बच रहा है कश्मीर पे, जो हम अपने फौजियों पे लगा रहे थे 200 करोड़ इमरान खान को देके हमने बंद करवा दिया। ठीक है, तो एक साइड पे अगर ऐसा हुआ है, ये देखें भाईजान आपने बात सुनी है, अगर ऐसा हुआ है 200 करोड़ लिया, वैसे मुझे प्लीज भाई, आप मीडिया प्लीज, अभी कितने हम लोग इधर आए, तकरीबन 10 लोग है ना, 10-12 लोग है ना, 10-12 लोगों ने मेरे पैदल जाने के जज्बे को जो सराहा है,
क्या है? अगर मैं निकाह है हम पैदल जाते हैं श्रीनगर, इधर आप 10 लोग हैं, आपने कितने लोगों से पूछा है? 7 लोगों ने कहा है ना कि मैं जाऊंगा पैदल। भाई ऐसे नारों से नहीं होगा। नहीं नहीं, ये देखिए आपने इधर 10-12 लोग हैं, आप भी कश्मीर जाएंगे? जी सर कर जाएंगे, लेकिन आप पैदल जाने की बात करें, जब तक आप पहुंचेंगे तब तक तो कश्मीर सारा खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। ये कहते हैं जज्बा अगर है ना, जज्बा है तो करवाएं टिकट, चलाएं चले, मैं भी आपको साथ जाने का तैयार हूं। ये देखिए सारा पाकिस्तानी, अगर जितने भी इधर पाकिस्तानी है सब जाने को तैयार है, तो फिर आप जाएं, आप शुरू क्यों? यार देखें, हम आपके साथ हैं, आपकी पहले बात सुने, मैं मैसेज दे रहा हूं। कश्मीर कितने हुक्मरान आए हैं, बड़े बड़े हुक्मरान आए हैं, बदलते रहे, 76 वर्ष हो गए हैं पाकिस्तान को बने। मैं ये कहता हूं कि ये यौमे यकजहती है कश्मीर जो 5 फरवरी आती है, 5 फरवरी को पाकिस्तान में नारे लगाएं, बैनर लगाएं, बैठ जाएं, क्या होगा? कुछ नहीं होता।